हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंडर्स ऑफ होम शेफ। आज हम बनाएंगे आप सभी की फेवरेट रेसिपी शाही पनीर। तो चलिए फिर देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। शाही पनीर बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसकी ग्रेवी बनानी होगी, जिसके लिए हम एक वेसल में 4 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। उसमें डालेंगे 1 दालचीनी, 2 इलायची, 2 लौंग और 1 तेजपत्ता। उसके बाद हमें डालने हैं 1 बड़े रफली कटे हुए प्याज। दो मिनट के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट और 2 बड़े साइज का टमाटर, जिसको भी मैंने रफली चॉप कर लिया है। टमाटर डालने के बाद हम डालेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट, 2-3 चॉप किए हुए ग्रीन चिलीज, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून जीरा पाउडर। और इसी के साथ हम डालेंगे 8 से 10 काजू, जिसे हमने आधे घंटे तक भिगो के रख दिया था। अब हमें इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से कुक करना है, जब तक हमारे टोमेटो सॉफ्ट ना हो जाए। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 250 ग्राम पनीर लिया था, इसीलिए मैंने 2 टमाटर और 1 प्याज ली है। आप कभी भी शाही पनीर बनाए तो हमेशा प्याज और टमाटर की रेशियो आपको इसी तरह से रखनी है। अगर आप 4 टमाटर लेते हैं तो आप 2 प्याज लें। 2-3 मिनट के बाद जब टमाटर सॉफ्ट हो जाए, हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच दही। फ्रेंड्स, आप बस ये ध्यान रखें कि आपकी दही खट्टी नहीं होनी चाहिए। और दही डालने से हमें ये फायदा होता है कि दही में जो फैट होता है, उसके साथ ही हमारे मसाले बहुत अच्छे से भुनाते हैं और हमें अलग से क्रीम कम डालना पड़ता है, क्योंकि दही में भी अपना ही फैट होता है और हमारी ग्रेवी काफी क्रीमी बनती है। जब हमारा मसाला अच्छी तरीके से भुना जाए और तेल छोड़ दे, फिर हम अपना गैस बंद कर देंगे और इसे थोड़ी देर ठंडा करके ग्राइंडर में ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के बाद हम इसे एक स्ट्रेनर की हेल्प से छान लेंगे और इसकी एक स्मूथ सी प्यूरी तैयार कर लेंगे। अब हम एक पैन लेंगे और उसमें डालेंगे 1 चम्मच बटर। भाई, जब नाम शाही पनीर है तो इसे थोड़ा शाही तो बनाना पड़ेगा ना। और जैसे ही हमारा बटर मेल्ट होने लगे, हम इसमें डाल देंगे पनीर के क्यूब्स। अब हम 30 सेकेंड्स तक पनीर क्यूब्स को बटर में शैलो फ्राई करेंगे। अब हम डालेंगे इसमें प्यूरी। और अब इसे 5 मिनट तक लो फ्लेम पे कुक करेंगे। 5 मिनट के बाद हमें इसमें से ऑयल भी रिलीज होते हुए नजर आ रहा है। अब हम इसमें डालेंगे क्रश किए हुए कसूरी मेथी। और इसके ऊपर डालेंगे थोड़ी सी क्रीम। और इसे बिल्कुल धीरे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे बस 1 से 2 मिनट सिमर करेंगे।
आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, बटर की वजह से हमारी ग्रेवी कितनी क्रीमी लग रही है और हमने इसमें क्रीम भी ऐड किया है। फ्रेंड्स, इसे फाइनली डिश आउट करने से पहले आप एक बार नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली चेक कर लें और फिर इसे थोड़े से धनिया के पत्तों के साथ गार्निश करें और सर्व करें। पनीर को मैंने डिश आउट कर लिया है, इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ी सी क्रीम, थोड़े ग्रेट किए हुए पनीर और थोड़े से धनिया के पत्ते। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। And thanks for watching my video. I will see you soon with my next recipe. Till then, stay safe. Bye-bye.